हेलो सो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, ऐसे होंगे, मस्त होंगे। आशा आप लोगों को दिखाऊंगा रामेश्वरम सिटी जो कैसा लगता है समुद्र से। तो अभी हम लोग उठूंगा, वो जो एक जहाज है, जहाज पे उठ के इधर घूमूंगा और यहाँ वहाँ से जाके एकदम मजा आने वाला है। और समुन्दर के अंदर में जाऊंगा जहाज से, एक शिप है वहाँ पे, बोट है, बोटिंग करने का सुविधा भी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे खड़ा हूँ, तो जाके बात कर लेता हूँ, टिकट ले लेता हूँ। टिकट कितना लेता है पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा जानकारी। एक आदमी का 100 रुपये, एक आदमी का 100 रुपये और हाफ ऑनर, हाफ ऑनर जाओगे तो एक्चुअली एक आदमी का 100 रुपया लगता है हाफ एन आवर, आधा घंटा के लिए। तो यहाँ पे घूमूंगा तो आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा। वहाँ पे जितना सारा बोट है, बोट के सामने जाऊंगा तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत मस्त होने वाला है। तो चलिए अभी हम जाऊंगा वहाँ पे टिकट लेने के लिए। चलो आ जाओ, टिकट लेता हूँ। तो टिकट कैसे लेता है, कैसे जाता है, तो सब कुछ अभी आप लोग इस वीडियो में दिखाऊंगा। और बाहर से कैसे नजर आता है तो रामेश्वरम सिटी, तो सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए अभी जाऊंगा, जाता हूँ वहाँ पे, बाजू में जाता हूँ पहले। तो दूसरा बोट है वो अभी आ गया है, एक बार देख लीजिए। तो धूप बहुत है इसलिए नजर नहीं आ रहा है। तो टिकट ही ले लिया, 100 रुपये का टिकट है। बहुत एक्साइटेड हूँ उठने के लिए, बहुत आदमी है अभी एक साथ हो गया। तो भाई एक्साइटेड हो ना भाई, बहुत एक्साइटेड। अभी लाइन पे लग रहा हूँ क्योंकि वहाँ से आदमी आ जाएगा ना, तो रिटर्न होने के लिए जगह नहीं बचेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लाइन पे लग गया। तो फाइनली अभी ले लिया छोटा वाला एंट्री। तो यहाँ से देख लीजिए नज़ारा कुछ इस तरह का होता है, एकदम बहुत ही मज़ा आ रहा है। धूप काफ़ी ज़्यादा है इसलिए सनग्लास लगा लिया, क्योंकि सनग्लास थोड़ा देखने के ऐसा होता है अगर धूप रहते है तो। लेकिन हवाएं बहुत ज़्यादा है इसलिए गर्मी का कोई वैसे नहीं लग जाएगा। लेकिन सामने है बोट, ऐसे तो गाँव में बहुत सारा बोट पे चला है, लेकिन ये जो शिप जैसा बोट है ये मेरा लाइफ में पहले बार है। तो थोड़ा सा पुल है ये, और भाई देखो समुंदर की मछली, भाई मछली देखो भाई, छोटा छोटा मछली दिखाई दे रहा है तो देखो। अरे भाई बहुत सारा मछली है यार, लेकिन छोटा छोटा है हाथ से पकड़। अरे उतरो क्या, बड़ा भी है देख लीजिए। ये इसीलिए तो यहाँ पे क्या है ना, लोग ज्यादा मछली पकड़ते हैं। पकड़ो भाई, अरे भाई बहुत बड़ा बड़ा भी है यार। तो चलिए पहले उठ जाता हूँ, उसके बाद आप लोगों को जितना हो सके दिखाता हूँ। तो यही है वो वाला शिप जिसमें हम लोग घूमेंगे, हम लोगों को देख सफर कराएंगे आधा घंटा के लिए। यह अभी आधा घंटा के लिए हमारा हो गया, क्योंकि हम लोग घूमेंगे, बहुत मजे लेंगे। यही है वो शिप। तो अभी ले रहा हूँ शिप में एंट्री, बोट अभी तो फिलहाल बैठ गया है। तो आगे जाके जो नजारा है याद आएगी, बहुत सारा आदमी है तो एक साथ होता है भाई, देख लीजिए एक बार, काफी बड़ा एरिया है एक्चुअली। देखने में छोटा लगता है लेकिन है तो काफी बड़ा भाई। समुंदर समुंदर कुछ दिखाई नहीं देते पानी के अलावा, सिर्फ पानी ही पानी है। उस तरफ जब से थोड़ा सा जैसे गाँव से देखे दे रहे हैं ना, वो है धनुषकोड़ी, वहां पे जाएंगे, वो भी आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाई देगा। तो अभी स्टार्ट हो गया हमारा जो जहाज है, बोट है, अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं जो गेट है, गेट के गेट से। तो देखिए अरे भाई शाहरुख खान का घर इधर नहीं है, वो मुंबई में है। देखिए गियर थोड़ा बढ़ा दिया है, साउंड जो है ना अभी आ रहा है धीरे धीरे, पहले तो पता ही नहीं चला कब स्टार्ट हो गया। देखिए धूप जो है काफी तेज है, लेकिन
जो एक नजारा हो रहा है बहुत ही मजेदार हो रहा है। लोग मछली पकड़ रहे हैं, बोट लगे भाई, इतना लंबा लंबा, इतना बड़ा बड़ा लहर है, उनको डर नहीं लगता है। देखो ये तो मतलब मान लीजिए बड़ा बोट है, वहाँ पे एक छोटा बोट है। अरे यार बहुत तो खतरा होता है, रिस्क है भाई बहुत। लगता है हमारा बोट का ऑयल खत्म हो गया। तो देखिए यहाँ से भाई मजा आ रहा है ना, धीरे धीरे मजा आ रहा है यार। भाई बहुत सारा बोट है ना सामने, देखो कितना बोट है, बहुत सारा है। इसीलिए वहां से सब किनारा से देख रहे थे ना, अब तो थोड़ा ही नजर आ गया, लेकिन अभी तो भाई पूरा नजर आ रहा है भाई। धूप के मारे ऐसे नहीं देख रहे, अभी तो देख रहे भाई लहर को ना, जब टक्कर हो रही है हमारा बोट से, एक साउंड हो रहा है खतरनाक सा, एक साउंड हो रहा है। ओ भाई हवा बहुत तेज है भाई, भाई मजा। देखो हम लोग वहां से निकला, वो है घाट, वहां से निकल के हम लोग जा रहे हो अंदर। ये मछली वाली है तो मोटर से खींचता है क्या? यहाँ का लहर जो है वो छोटा छोटा है, बड़ा लहर है नहीं, लेकिन जो उस तरफ का लहर है, मतलब थोड़ा अंदर चला जाओ उस तरफ का लहर जो है बहुत ही खतरनाक लहर है। यहाँ से शहर का कुछ नजारा, देखिए बंदा अकेला एक छोटा सा बोट लेके मछली पकड़ रहे। अरे भाई लहर अगर बड़ा हो जाएगा तो पूरा डूब जाएगा, डर नहीं लगता ना? डरता नहीं है, बहुत ही हिम्मत वाला इंसान है भाई। ऐसे बीच का कुछ नजारा और उस तरफ एक नजर में लेके आता भाई। अब रुको इधर, हेलो वहां से बहुत माना कर रहे हैं। देखो कितना अंदर आके मछली पकड़ रहे अकेला आदमी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर वापस जा रहा है ना?
फिर वापस वहीं पे जहां से चढ़ा था। एक झटका लग जाएगा अभी। अरे मैं कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सा रुक गया। लगभग आधा घंटे के ऊपर का सफर था। एक्चुअली क्या है ना, हवाएं बहुत तेज है यहाँ पे, थोड़ा बहुत मजा आ गया क्योंकि बाहर से तो समुंदर से जो शहर का कुछ नजारा है वो पूरा ले पाया और देखने में वो बहुत खूबसूरत है जो शहर का नजारा। और तो बीच में जो तो बोट जितना है, मतलब जो उस तरफ जितना बोट है वो बोट का एक बहुत ही खूबसूरत नजारा आ रहा था, तो बहुत मजा आ गया। तो अभी यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ वही वाला वीडियो ब्लॉग को, और इसके बाद का जो प्लान है भाई, इसके आगे का क्या प्लान है भाई? तो जो प्लान होगा जहाँ पे जाऊंगा आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में देख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही है ये वाला, तो इसके बाद दूसरा जगह पे दूसरा जो अलग लोकेशन है वो वाला दिखाऊंगा। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।